Welcome to another video. Today's video is very, very special and I feel immense happiness making this video. From last few days or even weeks, I had been getting so many emails from the girls and the women who are outside United States and they want to study in United States. And they've been asking me, is there a scholarship that can cover most of the expenses? Because the thing is, most of the scholarships, they do not cover the whole tuition fee or other expenses. They will just give me a one-time, maybe a few $1,000s, like $2,000 or $3,000. But there are very few scholarships that cover a major percentage of your expenses while you study in America, number one. And number two, also, if there is a scholarship that is only meant for girls or women. So I searched a lot and I'm happy that I found this scholarship. If you are interested, keep watching. वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जैसे मैं बताया कि सिर्फ और सिर्फ उन गर्ल्स और वुमेन के लिए है जो कि यूएस में पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए और वो लोगों को स्कॉलरशिप भी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज हायर एजुकेशन इन यूएस कुड बी इनसेनली एक्सपेंसिव एंड येस इट इज़ एक्सपेंसिव। सो उनके लिए मैं बहुत दिनों से एक स्कॉलरशिप सर्च कर रहा था तो लकीली मेरे रिसर्च में मुझे एक स्कॉलरशिप मिली जिसके बारे में अभी मैं बताऊँगा। तो ये स्कॉलरशिप का नाम है AAUI, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसके होम पेज पे देखोगे तो ये इनकी वेबसाइट है। ग्रांट्स ये प्रोवाइड करते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन जो मेन फेलोशिप जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो आप यहाँ पे अगर फेलोशिप में जाओगे तो यू कैन एक्चुअली सी देयर ऑल द फेलोशिप लिस्टेड हियर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस फेलोशिप बट दिस इंटरनेशनल फेलोशिप, क्योंकि यही इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए है। तो इफ़ यू सी हियर, दे हैव क्लियरली रिटन हियर, इंटरनेशनल फेलोशिप्स आर अवार्डेड फॉर द फुल टाइम स्टडी और रिसर्च इन यूनाइटेड स्टेट टू वुमेन हु आर नॉट यूएस सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गिविंग दिस फेलोशिप टू ओनली दोज वुमेन हु आर नॉट यूएस सिटीजन। इट मीन्स अगर आप यूएस को छोड़ के कोई भी और कंट्री के सिटीजन हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस scholarship. This is very important. And the second thing is the funding. तो आप यहाँ पे funding देख सकते हो, 18,000 से लेकर 30,000 तक आपको मिल सकती है funding. 18,000 का मतलब हो गया कि आज के टाइम पे 12-13 लाख रुपए से लेके अप टू लाइक 22 लाख रुपीज इंडियन रुपीज में आपको ये funding मिल सकती है. ओके, तो डेडलाइन जो है ऑलरेडी एप्लीकेशंस दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस दिस ईयर एंड डेडलाइन इज़ वेरी वेरी क्लोज, इज 15 नवंबर। सो इफ यू वांट टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप यू हैव टू बी वेरी वेरी यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक बिकॉज डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग वेरी फास्ट। ओके, और अगर इसके बहुत सारी डिटेल्स दी रखी हैं इन्होंने अवार्ड के अमाउंट के बारे में, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, टाइमलाइन भी यहाँ पे दे रखी है। टाइम जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डेडलाइन अप्रोच हो रही है, लेकिन एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ कि अगर आपने पहले इस स्कॉलरशिप को इफ़ यू हैव अप्लाइड अर्लियर यू कैन नॉट बेसिकली अप्लाई अगेन एंड अगेन, सो यू विल बी डिसक्वालीफाइड, बट इफ यू हैवंट अप्लाइड दिस स्कॉलरशिप देन यू गॉट अ शॉट। ओके, इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस थोड़ी बहुत दी हुई हैं। बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ कि आपको यूएस सिटीजन नहीं होना चाहिए, आपको कौन कौन सी कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है दिस इज़ ओनली फॉर मास्टर्स पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, दिस इज़ नॉट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज अनफॉर्चुनेटली, बट एनी वे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते भी मास्टर्स और हायर स्टडीज़ के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे कम स्टूडेंट्स जाते हैं। तो बाकी इसका क्राइटेरिया सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन रिव्यू है, ये आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो इनटू द रिक्वायर्ड कंपोनेंट टैब, यू क्लिक दैट एंड यू विल सी हियर स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक हियर। सो एज सून एज यू क्लिक द लिंक हियर द न्यू विंडो विल ओपन अप। ओके, सो अभी देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको लॉगिन में लेट मी क्रिएट एन अकाउंट, सो इफ
इफ यू डोंट हैव अकाउंट यू हैव टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट फर्स्ट. सो लेट मी रजिस्टर. ओके, तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे ऐसा एक पेज खुल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो. सो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले यू हैव टू सिलेक्ट विच फेलोशिप और ग्रांट यू वांट टू अप्लाई फॉर. लेट्स से वी वांट टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल फेलोशिप. सो यू गो टू इंटरनेशनल फेलोशिप, सेलेक्ट दैट एंड देन यू हैव टू फिल आउट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली. सो दिस इज वेरी इजी. आई मीन यू देर आर मेनी क्वेश्चंस, यू हैव टू बेसिकली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड फिल आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन. इन द एंड यू सेव एंड सबमिट. And if there is any documental requirement, you attach those documents in the application form. And that's, I think, very easy. And this is one of the wonderful scholarship. Again, if you have any questions related to how to submit this application or any of the questions, you can comment in the comment section. I'll try to answer those questions. So, aaj ke liye bas itna hi. I hope this information is helpful. And agar aapko acha lage video, to please subscribe shuru kijiyega. Future mein bhi aur bahut sari applications aur scholarship ke bare mein main videos banane wala hu, to make sure you take advantage of that. That's all for today. Best of luck.